आर्थिक संकट झेल रहा अमर शहीद जुब्बा साहनी का परिवार। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रदेश सचिव अविनाश कुमार कई सदस्यों के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीद जुब्बा साहनी के गांव मीनापुर चैनपुर पहुंचे। उन्होंने गीता देवी एवं परपोता गया साहनी को सम्मानित किया। लोगों ने इस गांव को ऐतिहासिक धरोहर घोषित करने की मांग की। अविनाश ने कहा कि इस गांव पर ना तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है और ना ही सरकारी अधिकारी का। गांव में पहुंचने का संपर्क पथ आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्वर्गीय सांसद डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने 1,46,000 रुपए मकान के लिए मुहैया कराया था, जिससे यह आधा अधूरा मकान बना। बारिश होने पर घर की छत टपकती है। यही नहीं, इनके परिवार को किसी तरह का कोई लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने इस संबंध में सरकार को एक लिखित पत्र भेजने की बात कही। बता दें कि जुब्बा साहनी का जन्म चैनपुर में वर्ष 1906 में हुआ था। इस शहीद ने 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के एक अंग्रेज इंचार्ज लियो वॉलर को आग में जिंदा झोंक दिया था। 11 मार्च 1944 को उन्हें फांसी दी गई थी। इस दिन पूरा देश उनको नमन करता है। आदरणीय शहीद जुब्बा साहनी जी का आवास घर, जिनके नाम पे तरह हर एक राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक रोटी सेकती है, यहाँ के विधायक आते हैं, विधायक प्रत्याशी आते हैं, तरह तरह का इन लोगों को आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी भी तरह का काम नहीं करवाया, इनको किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। और यहाँ पे इन लोगों को सांसद निधि से आवास जो मिला हुआ है डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के अनुशंसा से, 1,46,000 का मकान आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1,46,000 का मकान ये बनाया गया है। 1,46,000 का मकान ये बनाया गया है, आप देख सकते हैं। 1,46,000 में बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन आप आज आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके घर की स्थिति देख सकते हैं। आज उनका परिवार जो है रोटी के लिए तरफ रहा है। ये उनके पड़पोते हुए, ये उनकी पड़पुतो हैं। आपका नाम क्या है? गीता देवी। मुनिया देवी पुतो हूँ। आप जुब्बा साहनी जी की पड़पुतो हुई हैं, ये उनके पड़पोता हुए। आपका नाम क्या हुआ? गया साहनी। तो इनके परदादा जी के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन फिर भी आज इन लोगों की स्थिति नारकीय स्थिति है, जो कि निंदनीय है। इनके समाज के जो नेता है, जो समाज का कहते हैं कि हम हितकारी हैं, लेकिन इनके समाज के नेता लोग को दिखना चाहिए। खैर, हम लोग समाज की बात ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये हर एक राजनीतिक पार्टियाँ, हर एक लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि इन लोगों के लिए काम करें। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जीतन राम मांझी साहब ने हम लोगों को भेजा है। अभी तुरंत हम लोग पटना से यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ में है प्रदेश महासचिव अविनाश कुमार जी, युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मुकेश पाठक जी, मुजफ्फरपुर के युवा जिलाध्यक्ष भाई अमित कुमार जी, और बिहार प्रदेश कार्यकारिणी के मुख्य सदस्य ऋतुराज ओझा जी। और हमारे साथ में हैं ये जुब्बा साहनी जी के परपोता हैं, ये उनकी परपुतो हैं, और उधर इनकी पुतो बैठी हुई हैं, इनकी पुतो बैठी हुई। आप देख सकते हैं कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके लिए सरकार को कुछ सोचना होगा, और इसके लिए सरकार को कुछ सोचना होगा। ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों की स्थिति क्या है, आज आप देख सकते हैं। आइए ना देखिए, सब सरकारी मिला है, लेकिन सब मेरे इधर से फटा, इधर से पानी दिख रहा है, पानी जैसे आया हुआ वो भी दिखाई दे रहा है। ये सांसद निधि 1,46,000 के आवंटन से बना हुआ ये आवास है। आदरणीय शहीद जुब्बा साहनी जी का आवास ये बनाया गया है 1,46,000 के रकम से, जो आज बारिश के मौसम में यहाँ पे लोग पानी में रहने को मजबूर है, घर में पानी लग जाती है, पानी का रिसाव होता है दीवार से। ये सांसद निधि से बनाया गया ये मकान है। आप देख सकते हैं कि आज इन लोगों की स्थिति क्या है।
और जिन लोगों की स्थिति जो है आपके आंख के सामने है, आपको ये दिखाई देना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक इन्हीं के नाम पे यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, और बाद में जो है, और आज जब हम लोग आ रहे थे तो इनके गांव में आने का, गांव का नाम क्या है ये, चैनपुर इनके गांव जो चैनपुर, जो इनका आवासीय मीनापुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, चैनपुर गाँव आता है। आज हम लोग आने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि इनके गांव की जो स्थिति है बहुत ही नारकीय स्थिति है। यहां पे सही सड़क की व्यवस्था नहीं है, सड़क जो है कि टूटी फूटी सड़क है, कहीं बहुत गड्ढा है। यहां पे अगर पैदल अगर चला जाए, अभी बारिश का समय है, बारिश के समय में बहुत परेशानी हुई है हम लोग को आने में, और यहाँ पे पैदल चलने में भी कठिनाई है। ये आदरणीय जुब्बा सहनी जी की पुतोह हुई मुनिया देवी। हम लोग शहीद जुब्बा सहनी जी के आवास पे आए हैं जो मीनापुर प्रखंड में पड़ता है। आज इनके घर का स्थिति देखकर तो ये लगा कि इनके घर का बहुत ही दयनीय स्थिति है, और इनके परिवार में 8 से 10 आदमी हैं, और जबकि इनको रहने के लिए केवल एक ही मकान है, वो भी मकान इस मौसम बरसात के मौसम में कब गिर जाए और बड़ी बड़ा हादसा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है, और ख़ासकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से हमारी मांग है कि इनको जल्द से जल्द एक आवास का मुहैया कराया जाए। जब मैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी शहीद जुब्बा सहनी जी के गांव चैनपुर में जब उनके ग्रामीणों से मिलने गया तो वहां का स्थिति बहुत ही भयावह और कष्टदायी रहा। यहां तक कि एक सुशासन की सरकार में एक देश के शहीद क्रांतिकारी के गांव में जाने के लिए सही ढंग से न रास्ता है और न ही सही ढंग से उनके यहाँ घर का रहने का न कोई साधन है न कुछ है, जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जब मैं उनके परिजनों से मिला तो उनका जीवन बहुत ही कष्टदायी है। एक घर भी उनको स्वर्गीय रघुवंश बाबू के द्वारा निर्गत किया गया था, जिसका बोर्ड पे लिखा हुआ था कि 1,46,000 का वो घर था, लेकिन वह घर देख के हमें नहीं लगता कि 1,46 तो दूर की बात है, 46,000 का भी वो घर नहीं बना, जो आज भी अधूरा है। इस सब को देखते हुए बहुत ही कष्ट होता है कि सुशासन की सरकार में एक स्वतंत्रता सेनानी का घर और उनके बाल बच्चे या उनके जो परिवार के लोग को इतना कष्ट से जीवन जीना पड़े। ऐसे सुशासन बाबू से कहना है कि इनको जल्द से जल्द इनको एक आवास का मुहैया कराया जाए तथा इनके ग्रामीण के सड़क को दुरुस्त करके बनाया जाए, ताकि आवागमन के लिए आने वाले समय में किसी को आने जाने की कोई तरह की दिक्कत न हो। क्या हुआ आपका परिचय? मेरा नाम अविनाश कुमार, प्रदेश महासचिव हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।